करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप सच्चा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर मूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण सच्चा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण हमरी गणित न गणिया काई अपना बिरद पछाण हमरी गणित न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग हाथ मेरा के कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण सच्चा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनण खाण जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनण खाण अपने दास की आपैज राखी नानक सत कुर्बान अपने दास की आमैज राखी नानक सत कुर्बान नानक सत कुर्बान
नानक सतगुर बाण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण सचा साहिब सद मेहरबान सचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण हमारी गणित न गणिया काई अपना बीरत पहचान हमारी गणित न गणिया काई अपना बीरत पहचान हाथ तेरा के कर अपने सदा सदा रंग मान हाथ तेरा के कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण सचा साहिब सत मेहरबान सचा साहिब सत मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण वाहेगुरु जय साचे नाम।
रोज किते रोज माफी जे सुरती ज्ञानी Oh,
नानक पीजै साचे नाए, लेखा लिखिए मन के भाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया हुआ यह शब्द जो कल का प्रकरण था, जो कुछ दिनों से चल रहा है, श्री जपजी साहब जी के बाणी के अर्थ पंक्ति है, सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार। उसके कई पहलू गुरु साहब जी की मेहर से हमने समझने की कोशिश की। सिद्धों के साथ गोष्ठ हो रही है गुरु नानक पातशाह की। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया है कि भी सच्चारा हुई है कि भी कूड़ा टूटे पार। तो सिद्धों ने कुछ बातें कही कि ये करना चाहिए, धार्मिक ये कर्म करने चाहिए तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। मेरे गुरु नानक पातशाह ने इन बातों का खंडन किया। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, और समझाया कि सोचे सोच ना हो गई जे सोची लख बार। एक बार नहीं, लाख बार स्नान कर ले तीर्थों पर, तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस शब्द में गुरु नानक पातशाह उसी बात को अलग तरीके से समझा रहे हैं। कहते दुनिया भटक रही है प्रभु को पाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए। पीजे का मतलब होता है प्रसन्न। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए लोग अलग 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 धार्मिक कर्मकांड अपनाते हैं, पर गुरु नानक पातशाह ने उन सारे कर्मों का खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आम तौर पर लोग अपनाते हैं, दुनिया अपनाती है, एक एक
एक एक बात में ज्ञान है, और सच कहें तो हमारे मन के अहंकार पर चोट है एक एक पंक्ति में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी जो प्रकरण हुआ था ये उसी के आधार पर ये शब्द है। गुरु नानक पाशा क्या कह रहे हैं, ना पीजय रागी नादी भेद। हम ये समझते हैं कि जो बहुत अच्छा गाता होगा, जिसे राग विद्या बहुत आती होगी, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने खंडन किया नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोला करो भाई, जब दास कहता है ना सारे बोला करो, हाजिर लगवाए करो। ना भीजे रागी नादी भेद। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा गाना आ जाएगा, बहुत अच्छा सुर लग जाएगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक कि ऐसे वो नहीं प्रसन्न होगा। ना भीजे रागी, फिर कहा है नादी, नाद बजाने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागी गाने वाले को, और वेद कथा करने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हम सब जितने बैठे हैं सब इसमें आ गए, सब मेरे समेत, गाने वाले, बजाने वाले और कथा करने वाले, जिन्हों वेदों का बड़ा ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं ये लोगों का भ्रम है कि बहुत अच्छा गा लेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा बजा लेंगे प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर लेंगे, वेद रट लेंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। आइए साथ साथ में फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये धुन बड़ी प्यारी बनी है और बड़ा रस आ रहा है इसे गाने में। आइए साथ साथ में गा रहे हैं। कोई गावे रागी नादी बेदी बहुत पात कर, ड्राई कर दीजिए। कोई गावे रागी नादी बेदी बहुत पात कर, नहीं हर हर पीजे राम राजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग अलग ढंग से गाए कोई वो प्रसन्न नहीं होगा, बानी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में गुरु नानक पाशा ने एक एक बात का, जिस पे हमें विश्वास है कि ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाएगा, उसका खंडन किया और आखिर में बताया है क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वजह बताई है, क्योंकि हम तो समझते हैं ना कि हम कीर्तन करके बड़े सुर में, बड़े सुरीले सुर में गा के गुरु नानक को प्रसन्न कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बजाने वाला सोचता है कि मेरी तपस्या है इतने सालों की, अच्छा बजाऊंगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। हर एक के मन की भावना होती है ना गुरु को प्रसन्न करने की, पर क्या कारण है कि ये सब करते हुए भी वो प्रसन्न नहीं हो रहा, ये आखिरी पंक्ति में बताया गुरु नानक पाशा ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है बीजे साचे नाम।
प्यार से बोलियो धन गुरु धन गुरु नाम। ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग, ना पीजे सोगी कीते रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पीजे सुरती, कमाल की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पंक्तियां याद आ गई, कहां भयो जो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त आने लगायो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अपने सुरती आंखें बंद करके समाधि में बैठा रहे, गुरु नानक पाशा कहते हैं वो प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल है, हम समझते हैं कि ध्यान लगा कर बैठेंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पाशा कहते हैं नहीं, ना भीजे सुरती, आगे कहे ज्ञानी, कोई बहुत महाज्ञानी हो, सारे वेदों शास्त्रों का उसे ज्ञान हो, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहा है जोग, जो योगी योग साधना साधते हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल आसन करते हैं, न्योली कर्म करे वो आसन, बड़े मुश्किल मुश्किल कर्म होते हैं, योग की साधना होती है, योग के आसन होते हैं, चाहे कितना भी कर ले, गुरु नानक पाशा कहते हैं प्रभु प्रसन्न नहीं होगा इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पीजे सोगी कीते रोज, बड़ी ध्यान से समझ ले साथी, कितनी कमाल की पंक्तियां। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि सच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कितनी डिटेल में समझा रहे। कई लोग रोज उदास रहते हैं, रोज उदास रहते हैं। गुरु नानक पाशा कहते हैं ना बीजे सोगी कीते रोज, चाहे रोज उदास बैठा रहे तो रोज, और वो उससे खुश नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना बीजे सोगी कीते रोज, रोज सोग मना ले, रोज उदास बैठा रहे, गुरु नानक प्रसन्न नहीं होगा। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं अपना नाम तो बोले थे निविनम्रता से, कहते निरंकार प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 लेखा लिखी मन के पाए, पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पवे नंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर शब्द में तीर्थ तो आ ही जाता है, तीर्थ पर तो जरूर चोट की है, क्योंकि सारी दुनिया इस भ्रम में भटकी बैठी है कि तीर्थों पर स्नान करके पालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात कह रहा है कि गुरु नानक पाशा के विचारों को समझना इतना आसान नहीं है। कोई अगर ऊपरी तल पर देखेगा तो लगेगा कि तीर्थों को जाने को मना किया है, नहीं। कोई अगर ऊपरी तल पर इसे देखेगा तो वो सोचेगा कि समाधि लगाने को मना किया है, नहीं, ऐसा भी नहीं। कोई अगर ये सोचेगा तो कीर्तन करने को मना किया है, फिर अगर प्रसन्न नहीं होना गाने से, तो ऐसा भी नहीं है। बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। खंडन किस बात का किया है उस पॉइंट को समझना जरूरी है। कीर्तन करने से मना नहीं किया, बजाने से मना नहीं किया, गाने से मना नहीं किया, प्रवचन कथा करने से मना नहीं किया, पर उसके ढंग पर चोट की है। पितरों के श्राद्ध को मना नहीं किया, श्राद्ध के ढंग पर चोट की है, कि जीते माता पिता को तो पूछता नहीं, मरने के बाद उसका श्राद्ध मनाता है,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद पूड़िया माल पूड़े खिलाता है, फिर खिलाता है। सोचने के ढंग पर चोट गई है गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना भीजे रूपी माली रंग, कोई बहुत सुंदर हो सोचे प्रभु को मैं भा जाऊंगा, नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के पास बहुत धन हो वो सोचे प्रभु को मैं पालूंगा दान कर करके, इतना धन है नहीं पा सकेगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रंग की बात की है, रंग तमाशे उससे तो कभी भी नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पीजे तीर्थ पवे नंग, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं तीर्थों पर चाहे तू बिना कपड़ों के घूमता रहे। सारे कई लोग होते हैं ना, नागा साधु भी होते कई प्रकार के। अब इस पर चोट की है गुरु नानक पाशा ने। अब चोट किस बात पर की है ये बड़ा बारीकी का विषय है, इसलिए दास बार बार कहता है अगर कोई नहीं समझ पाए तो बात को दूसरी तरफ ले जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में जिस बात का खंडन किया ना उसी बात का मंडन भी होता है। पर बारीकी ये होती है कि गुरु नानक पाशा कहना क्या चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी अक्सर एक बात कहा करते थे अक्सर कथा में कि करोड़ बार वाहेगुरु जप लो कोई पाप नहीं कटेगा, कुछ कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो ये बात है ना, वो एक घंटे तक कथा में रिपीट करते रहते थे और आधा घंटा सुन के कथा को उठ के चला जाए वो तो वाहेगुरु जपना ही छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में बात समझाते थे एक बार कहने से ही सारे पाप कट जाएंगे, एक बार कहने से, पर वो एक बार आने के लिए करोड़ बार कहना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहना आने के लिए, वो कहना आने के लिए कितना पूरा जीवन लगाना पड़ता है वो एक बार कहना आने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना है, एक मशीन खराब हो जाती फैक्ट्री में, करोड़ों का बिजनेस है बंद पड़ गया। एक इंजीनियर को बुलाया जाता है, वो कहता है मैं 1,00,000 रुपए लूंगा ठीक करने का मशीन का। मालिक कहता है ठीक है कर दे। वो एक हथौड़ा लेता है, हल्के से मशीन के एक हिस्से को मारता है, मशीन ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है दो मेरा 1,00,000 रुपए। मालिक कहता है हथौड़ा मारने का 1,00,000 रुपए, एक हथौड़ा मारने का। वो कहने लगा नहीं, हथौड़ा मारने का 1 रुपया है, पर ये जानने के लिए क्या थोड़ा कहाँ मारने, मेरा सारा जीवन बीत गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी मेहनत है सारे जीवन की कि कहाँ मारना है थोड़ा, इस पॉइंट को जानने के लिए मेरा सारा जीवन की कमाई है, बाकी पेमेंट उसकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात है सारी जो मस्कीन जी कहते थे और यही बात यहाँ पर भी है। ना पीजे तीर्थ पवे नंग, चाहे तीर्थों पे स्नान कर चाहे नागा साधु मन के को, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के भाए, नानक बीजे सच है ना है। ना बीजे दाती कीते पुन्न, कोई ये सोचे कि मैं सारा कुछ दान कर दूं, पुण्य कमा लूं सब कुछ दान करके तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु नानक पाशा कहते हैं ना भी जय दाती कीते पुन, ना भी जय बाहर बैठे हाँ सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बार छोड़कर सुन समाधि लगा ले, ना किसी से कोई लेना ना देना, ना बुराई ना अच्छाई, बस समाधि में बैठा रहे तो प्रभु मिल जाएगा। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं, ना भी जय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। ना भी जय बाहर बैठे हाँ सुन, ना बीजे पेड़ मरे पेड़ सूर, ना बीजे केते होवे तोड़। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि सूरमों की तरह मरेंगे लड़ते हुए जंग के मैदान में तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना बीजे पेड़ मरे पेड़ सूर, सूर में की मौत मरे लड़ते हुए युद्ध के मैदान में प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, नहीं। ना पीजे केते होवे तोड़, कई लोग अपने तन पर सवा मल लेते हैं, कई लोग अपने तन पर कीचड़ मल लेते हैं,
मट्टी मलकर बैठे रहते कि प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, मैंने गुरु की कृपा से ऐसे साधुओं के साथ बहुत समय बैठा हूँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बचपन से शौक होता था, हमारे घर के पास एक मठ है, था आज भी है, अभी घर बदल गया है। उस मठ में ऐसे साधु बैठे होते थे जो दुनिया तापते थे, जो भांग पीकर गांजा पीकर समाधि में चले जाते थे, ऐसे बहुत कुछ मैं उनके साथ बैठा रहता था। मुझे अच्छा लगता था समझने के लिए, देखने के लिए कि ये करते क्या है। उसी पर चोट किए गुरु नानक पाशाह ने, ना पीजे केते होवे तोड़, चाहे शरीर पर सवाल लगाकर बैठा रहे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आखिरी पंक्तियों में कहते हैं सरवन कीजिए, लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है मन के पाए, लेखा लिखी है से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियां क्या, लेखा लिखी है मन के भाए। बड़ी ध्यान से समझना साथ में, पूरा मन एकाग्रचित कर लो इस वक्त, क्योंकि बहुत लोगों ने तो ये करना छोड़ देंगे, कोई कीर्तन करना छोड़ देगा, कोई बजाना छोड़ देगा, कोई समाधि लगाना छोड़ देगा। गुरु नानक पातशाह ने इनमें से किसी भी चीज का खंडन नहीं किया है, बड़ी ध्यान से समझना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं लेखा लिखी है मन के भाए, तू इनमें से कोई भी कर्म कर रहा है, तेरा वो कर्म तब सफल है अगर तेरा हृदय शुद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, मन में खोट है, तीर्थ में स्नान करके क्या करेगा। से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कहे कोई गावे रागी नादी बेदी वो पात करने हर हर पीजे राम राजे, आगे क्या कहे, जिना अंदर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा कि ये गलत है गाना, नहीं, जिनके गाने में कपट है, अंदर कपट है, उसके रोने पे प्रभु क्या उसके बारे में सोचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अंदर कपट है तो उसका रोना भी झूठा। यहाँ पर चोट की है मन के विचार पर, ये सारे कर्म परवान है अगर वो हृदय शुद्ध है। अगर हृदय में नाम है नानक भीजे साचा है नाए, वो प्रसन्न होगा अगर हृदय में सिमरन चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो लोग अमृत वेला संभालते हैं, नाम जपते हैं, नित्यनेम संभाल रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए नित्यनेम बढ़ा रहे हैं, उन पर जरूर प्रसन्न होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में शुद्ध है, ये हमें पता है हमारे हृदय में क्या चल रहा है, और गुरु नानक को पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया को मूर्ख बना लेंगे, गुरु नानक के आगे कहाँ चला के चलेंगे। लेखा लिखी है मन कह भाई, तू इनमें से कोई भी कर्म कर रहे है, तेरा लेख उस प्रकार से लिखा जाएगा तेरे मन की सोच क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी कहा था कि दुनिया ये देखती है कि कोई क्या कर रहा है, और गुरु नानक ये देखता है कि कोई क्यों कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे दास यहाँ पर बैठकर कीर्तन कर रहा हो, दुनिया सोचती हो कि भाई साहब की कितनी कमाई है, कितना कीर्तन करते हैं, कितना संगत को जोड़ते हैं, और गुरु नानक को मेरे हृदय का पता है, मेरे हृदय में कपट है कि सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक का उन्हें पता है, और फल उसी हिसाब से मिलेगा।
नहीं तो जपजी साहब जी की बाणी कहते नहीं, जे जी गुचारे आर जा होर दसुनी होए, नवा कंडा विच जानी है, नाल चले सब को चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई वात न पूछे के यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे सारी दुनिया तेरे साथ उठकर चलकर खड़ी हो जाए, जब तू चले तो दुनिया साथ में चले, तू बैठे तो दुनिया बैठ जाए, सारी सृष्टि में तेरा नाम हो जाए। पर अगर उसकी नजर ना हुई, क्योंकि वो भीतर का जानता है, तो एक समय ऐसे आएगा कि न तेरी यहाँ पर कोई पूछेगा न वहां पर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन सारी बातों का खंडन इसलिए किया है कि अगर इसमें खोट है तेरे मन में, तो तेरा तीर्थों का स्नान भी व्यर्थ, तेरा दान भी व्यर्थ, तेरा कीर्तन भी व्यर्थ, तेरी कथा भी व्यर्थ, तेरा सब कुछ कर व्यर्थ अगर तेरे मन में खोट है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, वरना यही धार्मिक कर्म प्रभु से मिला सकते हैं अगर मन शुद्ध है। और मन शुद्ध करने का एक ही तरीका है, नानक भेजै साचै नाय नाम। तीर्थ नाम है, वाणी ने स्पष्ट कह दिया, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, तीर्थ नाम है, तीर्थ इज इक्वल टू नाम। अगर नाम जप रहा है इंसान, रोज तीर्थ का स्नान कर रहा है वो घर बैठकर भी, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और तीर्थों पर भी अगर स्नान कर रहा है और नाम नहीं जप रहा, तो वो पानी का स्नान है बस, और कुछ नहीं, वाणी यही कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेखा लिखी है मन के माए, लेखा लिखी है परोसे तेरे।
राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जपो हर जैसे राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रू प्रहलाद जपो हर जैसे त्रू प्रहलाद जपो हर जैसे दीन दयाल परोसे दीन दयाल परोसे तेरे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवण जानी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवण जानी चूक गई फिर आवण जानी दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे कहो कबीर पाज सारंग पानी उर्वार पार सब को दानी कहो कबीर पाज सारंग पानी उर्वार पार सब को वार पार सब एको दानी दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया सब परवार चढ़ाया बेड़े दीन दयाल दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरा शुक्रिया है
मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
शिव